देशभर में दीपावली के त्यौहार को लेकर धूम मची हुई है। वहीं इस साल दिवाली के त्यौहार पर सूर्य ग्रहण को लेकर भ्रम फैला हुआ है। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने को लेकर भी लोग असमंजस में हैं। 5 दिनों तक धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाया जाता है। दिवाली पर पूजा मुहूर्त और सूर्य ग्रहण को लेकर पंडित मनोज शुक्ला से खास बातचीत की संवाददाता तेजस्वी साहू ने। दीपावली त्यौहार की शुरुआत हो गई है। आइए जानते हैं कि दीपावली से जुड़ी पूजा और विधि विधान का समय क्या है और वहीं साथ साथ मुहूर्त के बारे में भी आइए जानते हैं। इस बार दीपावली के समय में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, तो दीपावली से जुड़ी सूर्य ग्रहण के बारे में भी आइए जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम दीपावली से जुड़ी कुछ जानकारियां लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। विगत 2 साल कोरोना महामारी के बाद इस बार बहुत अच्छे ढंग से पूरे भारत देश में दीपावली का यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दीपावली का त्योहार जो है 5 दिनों का होता है, जो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक यह 5 दिवसीय पर्व अलग अलग ऐतिहासिक प्रमाणों से, अलग अलग धर्म के विभिन्न स्रोतों से, कहानियों से, अलग अलग महत्वों से यह 5 दिन का पर्व एक साथ मनाया जाता है। आज धनतेरस तिथि जो है पूरे दिन भर है। शाम को नरक चतुर्दशी का तिथि आरंभ होगा, जिसमें न भगवान कृष्ण जो है नरकासुर को संहार करके उनके आतंक से मुक्ति दिलाए थे। इसलिए धनतेरस और चतुर्दशी दोनों दिन हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि 13 दीपक और 14 दीपक जो है घर के द्वार पर जलाया जाता है। यमराज के निमित्त जो दीप जो है अर्पण किया जाता है। जीवन में किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना आए, जीवन खुशियों से भरी रहे, आनंदित रहे, प्रमुदित रहे, इसलिए वर्ष में यह 2 दिन जो है यमराज धर्मराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। उसके बाद आती है दीपावली का पर्व, जिसमें माँ लक्ष्मी जो है हर घर में सुख शांति संपत्ति प्रदान करे, इसलिए दीपोत्सव के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस बार की दीपावली पर्व में अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ रही है। यह सूर्य ग्रहण 25 तारीख मंगलवार को सुबह 4:51 में सूतक प्रारंभ होगा और 12 घंटे पहले यह सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है। शाम को 4:51 में सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, जिसका मोक्ष जो है शाम को 5:29 में होगा। इस तरह से इस दिन पूरा दिन पर्यंत कोई भी पूजन पाठ जब तक इत्यादि का कार्य नहीं होगा। सूतक काल में यह धार्मिक कर्म नहीं किया जाता है। हमारे पुराने ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग लोग तो पूरे सूतक काल में भोजन, जल इत्यादि भी ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि जैसी शक्ति वैसी भक्ति। लेकिन ग्रहण काल के दौरान जैसे भी हो प्रयास करके किसी भी मंत्र का जप पाठ इत्यादि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सामान्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना फल जो है ग्रहण काल के दौरान जप या पाठ आदि से मिलता है। ग्रहण मोक्ष के दरमियान, ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद में, शुद्धिकरण करने के बाद में जो है मंदिर का पट खुलेगा, अपने अपने घर के देवी देवताओं की पूजा का पट भी जो है शाम को ग्रहण मोक्ष के बाद खोल कर सकते हैं। शुद्धिकरण के पास पश्चात संध्या आरती इत्यादि जो है किया जा सकता है। इस तरह दीपावली पर्व में यह ग्रहण जो है एक दिन पड़ रहा है। उसके बाद 26 तारीख को गोवर्धन पूजा है और 27 तारीख को भातृद्वितीया। इस तरह यह 5 दिवसीय पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाएगा। पंडित जी जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा का मुहूर्त किस से कब से कब तक है और पूजा का क्या कुछ विधि विधान है? जैसे कि अमावस्या तिथि में पूरे दिन पर्यंत माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। लेकिन इस बार अमावस्या तिथि को ग्रहण होने के कारण यह चतुर्दशी युक्त अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और दीपावली उसी दिन मनाएंगे। इसलिए सुबह 6 बजे से ही विभिन्न
चौघड़िया तथा लग्न इत्यादि मुहूर्त को ध्यान में रख करके हमारे पंचांगकर्ताओं ने प्रातः 6 बजे से जो मुहूर्त प्रारंभ हुआ है लाभ का है, अमृत का है, उसी तरह स्थिर लग्न है, अभिजीत मुहूर्त है, गोधूली बेला का लग्न है, यह सब देखते हुए पूरे दिन पर्यंत उस दिन मुहूर्त है, बल्कि रात को 3:30 बजे तक लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। जैसे अपने अपने घर में हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की श्री विग्रह है या उनकी प्रतिमा को रख करके सुंदर कलश स्थापना कर लेवे, दीपक प्रज्वलित कर लेवे और माँ लक्ष्मी जी में अर्पण करने योग्य जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है उसके अनुसार कमल का फूल है, कमलगट्टा है, कमलगट्टे की माला कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी में श्रृंगार सामग्री इत्यादि अर्पण करें, भोग नैवेद्य के लिए मिठाई हो गया, खील हो गया, बतासे, इलायची दाना इत्यादि जो है अर्पण करके अपने घर की जो धन लक्ष्मी है जैसे गहने हैं, जेवर है, नोट बंडल इत्यादि है उनकी भी पूजा करते हैं। इस तरह माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके यथाशक्ति कनक धारा श्री सूक्त इत्यादि का पाठ किया जा सकता है। वहीं इस बार ग्रहण भी लगने वाला है सूर्य ग्रहण, तो उस ग्रहण से बचने के लिए क्या कुछ उपाय हैं? जैसे कि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारी सावधानियां हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि उसमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको खुले आसमान के नीचे ग्रहण काल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक जीव नहीं होते बल्कि उनके गर्भ में एक और जीव पल रहा होता है जिसको इस ग्रहण काल में किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग शास्त्र पुराण इसको मना करते हैं। तो मुश्किल से 40-45 मिनट का यह इस बार ग्रहण काल है, 4:51 से लेकर के 5:29 तक इस काल में गर्भवती माताएं जो हैं अपने घर में सुरक्षित रहें और संभव हो तो इस समय में रेशमी वस्त्र पहन करके गंगा जल इत्यादि छिड़क करके, हनुमान चालीसा है, दुर्गा कवच है, राम रक्षा स्त्रोत्र है, कोई भी विशेष मंत्र है, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्र है, इनका जप करना चाहिए। बल्कि पंचांगकर्ताओं ने सभी राशियों के लिए ग्रहण काल का प्रभाव बताया है तो ग्रहण काल का प्रभाव अन्य अन्य राशियों में विभिन्न प्रकार से पड़ता है। तो ग्रहण मोक्ष के बाद हर व्यक्ति को किसी ग्रह की अनिष्ट काल से बचने के लिए यथाशक्ति किसी जरूरतमंद को, किसी अपने मानदान को, अपने बड़े बुजुर्गों को या किसी मंदिर में किसी पंडित पुजारियों को यथाशक्ति कोई दान कर देना चाहिए जिससे ग्रहण काल का कोई विपरीत प्रभाव रहता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे कि इस बार दिवाली के समय में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 2022 का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण है, उससे जुड़ी लोगों में कई सारी भ्रम थी, उससे आज हम चर्चा किए पंडित जी से और पूजा के विधि विधान के बारे में जाने।